अपने चैनल भोजपुरी ए टू जेड पे। तो जी हाँ, ऐसा पता है कौन सी एक्ट्रेस है? एक्ट्रेस नहीं बल्कि सिंगर है। और पता है सिंगर बवाल है भाई साहब, गाती बड़ा खतरनाक, और जब भी गाती है ना ट्रेंडिंग में आता है, पहला गाना ही ट्रेंडिंग में आता है, यानी केटी। नाम भी बड़ा खतरनाक है केटी। केटी का पहले चैनल पर स्वागत है। स्वागत है केटी जी। थैंक यू। कैसे हो? बढ़िया। ये तो मेरा डायलॉग था, कैसे हो वाला। मेरा भी है, ये तो सबका है ना, सबका। हाँ। एक बात बताइए केटी, केटी नाम क्यों आपने यूनिक रखा? केटी ये क्या है पूरा? नहीं मतलब दोस्तों का दिया हुआ है कॉलेज टाइम से। K4 खुशबू, T4 तिवारी, शॉर्ट फॉर्म केटी। अच्छा। और पहला ही केटी का गाना ट्रेंडिंग में। हाँ, ये लक होता है और इत्तेफाक बोल सकते हैं, या फिर जो भी, बस हो गया। नहीं मतलब पूरे यूनिट की इसमें मेहनत थी, दिल से काम कर रहे थे, बहुत खुश थे जब गाना बन रहा था, तो माहौल बहुत अच्छा क्रिएट हुआ था। और सबको, और हम सारे लोग, इत्तेफाक ये था कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे थे इस सॉन्ग के लिए, यानी कि मेरा उनके साथ फर्स्ट सॉन्ग था खिसाड़ी जी के साथ। जी तो बस हो गया। तो लाइफ में खिसाड़ी जी के लिए क्या चीज है, मतलब खिसाड़ी जी ने आपकी लाइफ को, पैटर्न को चेंज किया, आप यही कर? जैसे मेरा ये था ना कि मैं किसी भी चीज को बहुत लाइटली लेती थी, जैसे क्योंकि मेरा मोटिव कुछ और था। जैसे आप अगर ये सोच रहे हो ना और यहाँ पे कुछ हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं लगता है, क्योंकि हम एक मोटिव लेके चले हैं ये। तो अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो हम बहुत ज्यादा शॉक नहीं होंगे, बिकॉज हमारा मोटिव और उससे ऊपर है। तो चेंजिंग की बात करें तो उससे पहले भी मैं कई फिल्मों के गाने कर चुकी थी बॉम्बे में, उनके फिल्में ही ले लो या फिर और सबके फिल्में, बट हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा, बिकॉज वो बहुत मेहनती हैं, ये तो सब बोलते हैं। तो डेफिनेटली मेरे लिए भी यही एक्सपीरियंस रहा कि हाँ उनका हार्ड वर्किंग है। तो अभी न्यू ईयर का सीजन आने वाला है, केटी का धमाका इस वाला ऐसा कुछ? हाँ, है क्या? मेरा कल सॉन्ग आ रहा है चीला महाकाल का, क्योंकि मैं कोई भी चीज को रिलेट करती हूँ भोलेनाथ से ही, मेरी स्टार्टिंग भी उन्हीं से हो, मैं ये चाहती हूँ। तो हमने चीला महाकाल, तो जिस तरीके से आपने टाइटल बताया, ये तो सिंपल सी बात है, बोलबम वाला का है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे महाकाल मीन्स बोलबम नहीं होता है, ये एवरग्रीन चीज है। भोलेनाथ को आप हमेशा सुनते हो, हंसराज रघुवंशी को आप हमेशा सुनते हो, एक टाइम सावन में नहीं सुनते हो, तो राधा कृष्ण को आप हमेशा सुनते हो, सिर्फ जन्माष्टमी में मैम नहीं सुनते हैं। तो ऐसा है, पार्टी सॉन्ग है ये। तो दम मारो दम, कुल सही पकड़े आप, सही पकड़े। तो खेसारी जी के साथ अगला धमाका क्या? तो उनके साथ तो मेरे काफी सॉन्ग्स आए हैं, मूवीज में भी कंटिन्यू आ रहे हैं। बाप जी अभी 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 अगला क्या? मूवीज गई है, मूवीज गई है, मूवीज गई, फिल्मों के। आप सिर्फ खेसारी जी को फोकस इसलिए करो क्योंकि खेसारी जी के साथ आपका पहला है। खेसारी सर के साथ मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स आए हैं और फिल्मों की अभी रिलीजिंग काफी बाकी है उनके साथ, सबके साथ आ रहे हैं। अब जहाँ पे आप हैं वो है 100 बिलियन का पार्टी, बुलेट पे जी जाए, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आप इसमें नहीं हूँ, फिर भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एक सिंपल सा सॉन्ग देवी गीत, वो भी 100 मिलियन और 2 महीने में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। वो भी जैसे कि विनय जी, अगर देखा जाए तो कंटिन्यू इनका गाना नहीं आ रहा था, या फिर ये होता है बहुत बड़े सुपरस्टार का गाना आया तो कॉमन सी बात है, इनका इतना बड़ा अचीवमेंट है, तो इसलिए हम सब बहुत खुश हैं और पूरी टीम को बधाई। किस तरीके से देखते हैं जब एक स्टार का गाना 100 मिलियन होता है और 100 मिनट के बाद जब पार्टी सेलिब्रेशन होता है बड़े लेवल पे, तो क्या स्टार को लगना चाहिए कि भाई थोड़ा और मोटिवेशन होता है? एग्जैक्टली, इनको तो यही सोचना है कि है, और हमें ऐसे सेलिब्रेशन लाइफ में कई करने हैं, ये एंड नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है। तो इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की नीड नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हो जाते हो तो हमें लगता है कि अरे भाई हमारा यही मोटिव था, हमने पा लिया। बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे हम, क्योंकि इससे भी ज्यादा कर केटी का क्या चीज? समर सर बहुत अच्छे हैं, जैसे उनको सब देसी कलाकार बोलते हैं, देसी स्टार। हाँ, देसी बॉय,
तो वो दिल से भी बहुत देसी है और बहुत प्यारे इंसान है, सबको बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं सबको, मुझे भी बहुत मानते हैं। समर सिंह के लिए यदि एक लाइन में गाना गुनगुनाने की बात कहा जाए तो कृति कौन सा गाना? जाड़ा में रड़ूंगा पूरा बढ़िया से गाना पड़ेगा गाना थोड़ी वो तू धरा वेला थर सर याद है मुझे बस है? इतना ही याद है समर सिंह के लिए थरेसर। हाँ और क्या, उनका थरेसर और कमरिया तो उन्हीं का पर्सनल ब्रांड है ना। सही बात है, अभी उन्होंने पतली कमरिया भी लेके आया दुबई, पतली कमरिया, नमरिया कमरिया, मुचक गई कमरिया, ककड़ी कमरिया, खीरा कमरिया, सब उन्हीं का है। वो लाइसेंस उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री का कमरिया का लाइसेंस, मतलब केटी का ही वो चीज है ना, बुलेट का लाइसेंस। जैसे हमारे बिने 10 जाएगा 20 जाएगा पता नहीं कितने आएंगे बुलेट, वैसे ही समर सर का कमर है बस। तो समर सिंह के साथ कौन सा धमाका प्रोजेक्ट कुछ आने वाला? इसके साथ भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और आने वाले भी हैं, वर्ल्ड वाइड से हैं, उनके चैनल से हैं, मूवीज के भी हैं, लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, बहुत सारे। अब एक विवाद। नहीं, विवाद तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना आपको। तो भाई क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से, छोड़िए क्या कहना चाहेंगे जो आपको प्यार मोहब्बत? बस उनका प्यार आशीर्वाद मिलते रहे और आप लोग अच्छे अच्छे गाने सुनो, अच्छे गानों को सपोर्ट करो, जैसे 100 मिलियन दिया 2 मंथ्स में, ऐसे ही बस अच्छी चीजों की परीख करो और अच्छे चीजों को व्यूज दो, प्यार दो। थैंक यू।